एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि महिलाओं के पास एक आयुर्वेदिक फार्मूला होता है जिसके आधार पर वो अनेक बीमारियों का, रोग का निवारण कर सकती है। एक तो कह रही थी, बोले तबीयत खराब थी, एक दिन मुझे कहा कि तबीयत खराब थी, ना कोई गोली ना कैप्सूल काम आया, फोन करके आधा घंटा सास से लड़ी, तब जाके थोड़ा आराम आया। एक महिला तो जबरदस्ती अपने पति को दशहरा दिखाने लगी, और जब रावण को जलाने लगे तो बोली ध्यान से देख लो दूसरों की पत्नी पर बुरी नजर डालने का क्या परिणाम होता है। मैं तो विनोद से पूछ रहा था, विनोद भाई पत्नी को संस्कृत में क्या कहते हैं? विनोद बोला पत्नी को संस्कृत में तो छोड़ो, किसी भी भाषा में कुछ नहीं कह सकते। जान है तो जहान है, भाषाएं तो ऊपरी ज्ञान है। और मैं दिमाग की ताकत आपको बताना चाहता हूं, ये दिमाग सबके पास नहीं होता, दिमाग की ताकत होती है 2.5 पेटाबाइट। 1 पेटाबाइट बराबर है 1000 टेराबाइट, और 1 टेराबाइट बराबर है 1000 जीबी, यानी 16 जीबी की मेमोरी कार्ड वाले लगभग 56,000 पेन ड्राइव, और इतने भारी भरकम दिमाग को खराब करने में पत्नी को आधा मिनट भी नहीं लगता। और अगर सरदार नहीं हो तो मामला और भी बड़ा खतरनाक हो जाता है। तो हमारी बलजीत कौर तन्हा जी हास्य के लिए जानी जाती हैं, पूरे देश में जाती हैं। मैं उन्हें 4 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूं कि भारत का कण कण जन्नत है, भारत का कण कण जन्नत है, एक नजर तुम करो जरा, किसी कसौटी पर भी कस लो 24 कैरेट शुद्ध खरा, और रंग सैकड़ों चमके दमके रंग बिरंगी दुनिया में, 3 रंग बस मुझको भाते केसरिया संग श्वेत हरा, 3 रंग बस मुझको भाते केसरिया संग श्वेत हरा, 3 रंगों का प्रतिनिधित्व करती। जोरदार तालियों से बलजीत कौर तन्हा जी को सुन। मुझे नहीं पता था कि ताड़ का वध सबसे आखिरी में होगा। लेकिन उसी ने करा है जो कुछ देर पहले आपका पति था। आप लोग तो तालियां ही बजा दो। एक्चुअली क्या है, होली आ गई ना, ब्रिज वाले हैं, इन्हें लठ बजाने की आदत पड़ चुकी। नहीं, इन सबको तो कोई ना कोई माला पहनाने भी आ जाता है। हाँ। हमें तो जिसने एक बार पहनाई वो ही पछता रहा है। पर हम टेंशन लेते ही नहीं। अब इतनी पत्नियों की बात करे जा रहे हैं पर एक भी पत्नी को टेंशन हुई? अपन टेंशन लेते ही नहीं, टेंशन लेने की चीज ही नहीं है। और मैं तो उस खानदान से हूं कि हम तो देश की गद्दी पे चुपचाप बैठे रहे थे, हमने टेंशन नहीं ली। मैं तो सरदारों के खानदान से हूं, अपन तो 10 साल तक चुपचाप बैठे रहे थे, देश चल गया। तो अभी तो थोड़ा बहुत बोल लेंगे तो कभी सम्मेलन चल जाएगा। और टेंशन लेने की चीज ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ कार लो, बंगला लो, लोन लो, निकल लो। काहे को टेंशन ले लो। वाह। और क्या, अभी ये सभी का सम्मान करा रहा था और बोल रहा था, प्रतीक भाई कह रहा कि मेले में पत्नी खो गई। अब पत्नी तो सबकी खो जाती है, मैं भी अपने पति की पत्नी हूँ, मैं भी खो गई थी एक दिन, और मेरे पति राम जी के मंदिर पहुंच गए, कभी गए नहीं, अचानक पहुंच गए, बोले राम जी पत्नी खो गई क्या करूं। देखो जितना मर्जी लोग कह लें कि पत्नी बुरी बुरी, लेकिन है ना, जब खो जाए तो पता तभी लगता है कि कहां गई। तो राम, ये सच्चाई है सर, ताली बजनी चाहिए। जाके मेरे पति लेट गए, बोले राम जी पत्नी खो गई। अब मेरे पति इतने दिल से उनके सामने दंडवत हो गए कि राम जी प्रकट हो गए, बोले पत्नी ढूंढ रहा है पर गलत मंदिर आ गया, मेरी खुद हनुमान ढूंढ के लाया था, वहीं चला जाओ। तो मस्ती में रहना चाहिए, टेंशन लेने की चीज ही नहीं है। मैं तो बिल्कुल यही बात कहती हूँ कि टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अभी पिछले दिनों बेंगलोर जाना था, एयरपोर्ट पर हम गए, तो एयरपोर्ट पर क्या होता है कि 2 घंटे जल्दी बुला लेते हैं फ्लाइट से। तो हम बैठे हुए थे, मेरे आगे वाली सीट पर 2 बच्चे बैठे हुए थे, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से कहा कि मेरा नाम जसप्रीत है, आपका नाम? दूसरा बच्चा बोला मेरा नाम ब्रह्मजोत। दोनों बच्चों ने हाथ मिलाया, बोला कहाँ रहते हो? बोला दिल्ली में, साउथ एक्स में। दूसरे ने कहा हाथ मिला, मैं भी दिल्ली में साउथ एक्स में रहता हूँ। बोला साउथ एक्स पार्ट 1 या 2? पहला बोला साउथ एक्स पार्ट 2, दूसरा बोला अरे हाथ मिला, मैं भी साउथ एक्स पार्ट 2 में रहता हूँ। बोला मकान नंबर? बोला 3/3 सेकेंड फ्लोर। खड़ा हो गया दूसरा बच्चा, बोला मैं भी 3/3 सेकेंड फ्लोर में रहता हूँ।
जैसे आप सबको टेंशन हो गई, वहां पर रसिक जी बैठे थे उनको भी टेंशन हो गई और लोगों को भी टेंशन हो गई कि ये दोनों बच्चे, तो एक बंदा बोला बेटा तुम दिल्ली में साउथ एक्स में पार्ट टू में 3/3 में सेकंड फ्लोर में रहते हो, एक दूसरे को जानते नहीं। बच्चा बोला अंकल आप क्यों टेंशन ले रहे हो, हम दोनों तो भाई भाई हैं, टाइम पास कर रहे हैं। और तालियां तो आप वृंदावन वाले इस बात पर बजाना कि वो दोनों बालक जसप्रीत और ब्रह्मजोत मेरे बेटे थे। रही बात, ये सब कहते हैं कि पत्नी पत्नी और ये, मेरे घर में क्या होता है, मैं तो जब घर जाऊं तो क्या हुआ, स्कूल से एक दिन घर गई तो देखा एक पड़ोसन गुजर गई और सारा मोहल्ला वहां इकट्ठा, और लेकिन मेरे सरदार जी घर पर ही बैठे मनुष्य शक्ल बनाए। मैं जल्दी से अंदर गई, भाई मुझे लगा ये क्या हुआ, ये क्यों नहीं गए। सर बिल्कुल सुनिएगा, आपकी एनिवर्सरी है सर, मेरी भी अभी पिछले दिनों निकली, पर मैं तो सच्चाई बयान कर रही हूँ। अब मैं गई घर, मैंने कहा सरदार जी घर पर ही बैठे हो मुंह लटकाए, अगले की पत्नी गुजर गई, क्यों नहीं अफसोस कर आए। मैंने कहा सरदार जी घर पर ही बैठे हो मुंह लटकाए, अगले की पत्नी गुजर गई, क्यों नहीं अफसोस कर आए। बोले तू ही बता किस मुंह से जाऊं, अगले की दूसरी मर गई, मैं एक बार भी नहीं बुलाऊं। हमारे एक पड़ोसी हैं, एक तो पड़ोसी भी इतने बढ़िया है ना कि मैं कहती हूँ कि बस दृष्टिकोण बदल लेना चाहिए, बस आपको हाथ से वहीं मिल जाएगा। हमारे एक पड़ोसी हैं, उन्होंने बैंक से लोन लिया, कार ली, लेकिन किसी कारण से रिसेशन आया, उनकी नौकरी में तनख्वाह में कुछ कमी आई और बैंक के लोन की किश्त नहीं दे पाए, तो बैंक वाले आए और कार ले गए। कार पड़ोसी की गई, फिर मनुष्य शक्ल सरदार जी की। मैंने कहा सरदार जी कार पड़ोसी की गई, आप क्यों मनुष्य शक्ल बना के बैठे हो। बोले तू नहीं समझेगी। मैं कहा फिर आप ही समझा दो। बोले देख पड़ोसी ने लोन लेके कार ली। मैं बोली हाँ जी। बोले लोन की किश्त नहीं दी। मैं कहा हाँ जी। बोले बैंक वाले आए कार उठा के ले गए। मैंने कहा हाँ जी। बोले काश मुझे पहले पता होता, लोन लेके शादी करवाता और किश्त नहीं चुकाता। चार दिन पहले मेरी और मेरे पति की हुई जोरदार लड़ाई, पति ने भगवान को गुहार लगाई, बोले हे भगवान तंग आ गया हूँ ऐसी पत्नी से, तू मुझे उठा ले, मैं कौन सी कम थी। मैंने कहा हे भगवान मैं भी तंग आ गई ऐसे पति से, तू मुझे बुला ले। पति बोले भगवान मेरी एप्लीकेशन छोड़ दे, इसकी लगा ले। हम दोनों पति पत्नी इसी तरह लड़ते झगड़ते जिंदगी गुजार लिया करते हैं, लेकिन हम दोनों एक दूजे से नहीं उस ऊपर वाले से डरते हैं। वो जैसे चाहे डुगडुगी बजाता है, वो जैसे चाहे सबको नचाता है, सिर्फ और सिर्फ उसी के हंसाने से हंसती है ये दुनिया, वरना इस दुनिया में कौन है जो दूसरों को हंसाता। क्या बात है, वाह 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 वाह।